गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सर्वनाम शब्द की सूची। जैसा कि आप बोर्ड पर लिख सकते हैं, हमने कई सारे सर्वनाम शब्द यहाँ पर लिख रखे हैं। अब सर्वनाम शब्दों की सूची देने का तात्पर्य क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सर्वनाम शब्द पता हो। जितने ज्यादा सर्वनाम शब्द आपको पता होंगे तो वाक्यों में छाटने में आपको आसानी होगी। हमने आपको बताया कि नाम वाले शब्दों की जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं और बार बार एक नाम को ना लिखकर उसकी जगह पर हम सर्वनाम के शब्द लगा देते हैं। अगर एक वचन होता है तो अलग प्रकार से सर्वनाम शब्द लगते हैं और अगर ज्यादा होते हैं बहुवचन तो अलग प्रकार के सर्वनाम शब्द लगते हैं। और उसी प्रकार स्त्रीलिंग यानी लड़की के लिए और लड़के के लिए भी अलग अलग सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे पुस्तक तो आप लिखोगे मेरी पुस्तक, कमरा तो मेरा कमरा, है ना। तो ऐसे ही लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम बदलते हैं। ये हमने सारी चर्चा कर ली, सीख लिया। अब हम यहाँ पर बहुत सारे सर्वनाम शब्द आपको लिखा दे रहे हैं। आपको करना क्या है, इन सारे सर्वनाम शब्दों को कॉपी में लिखना है, याद करना है, ताकि जब कोई वाक्य आए, कोई पैराग्राफ आए तो वहाँ पर आपसे कहा जाए सर्वनाम शब्द ढूंढो, तो आप उसके अंदर से आसानी से इन शब्दों को ढूंढ सकें। तो चलिए पढ़ते सर्वनाम। और यहाँ पर हमने कोशिश की है कि एक जैसे सर्वनाम को एक लाइन में लिखें, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे। क्या लिखा है, मैं, मेरा, मुझसे, मुझे, मुझसे, ठीक। फिर तू, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे। तू, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे। फिर हम, हमारा, हमें, हमसे। हम, हमारा, हमें, हमसे। आप, आपका, आपके, आपसे। आप, आपका, आपके, आपसे। उन, उनका, उन्हें, उनसे। उन, उनका, उन्हें, उनसे। ये कई सारे शब्द हैं। इसके अलावा इनका, इनको, इन्हें, इन्होंने। फिर क्यों, कोई, कहाँ, ये सारे भी सर्वनाम शब्द हैं। लेकिन पुरुषवाचक यानी प्रश्न में कैसे सर्वनाम आते हैं वो हम आपको आगे की कक्षा में सिखाएंगे। अभी जिन सर्वनाम शब्दों को आपका अभ्यास करना है यहाँ पर हमने दिए हैं। तो आप इन शब्दों को लेखबद्ध कीजिए, इनको स्टडी कीजिए। और पुराने अभी तक हमने आपको 6 अभ्यास, मतलब पूरे 5 पहले करा दिए और ये 6 भाग है जो सर्वनाम का हम आपको बता रहे हैं। तो उन सारों को स्टडी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट वीक में हम आपको इन 6 भाग के आधार पर ही विभिन्न अभ्यास यानी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो वो एक्सरसाइज आपको करना कब आएगी, जब आप ये सारे मॉड्यूल्स देख लोगे, इनको लेखबद्ध कर लोगे, तो फिर आपको वो एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इसलिए वीडियो देखते रहिए, सारी एक्सरसाइज कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और अभ्यास के लिए तैयार रहिए। हम आपसे मिलेंगे अभ्यास के साथ आगे के मॉड्यूल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।